हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। आज एक स्टॉक पर एनालिसिस करेंगे। जिस स्टॉक ने आज एक लार्ज कैप का स्टॉक ने आज 8% का मूव दिखाया था। स्टॉक ने स्टॉक का नाम है बजाज फिनसर्व। इस बजाज फिनसर्व पे एंड बजाज फाइनेंस पे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो जो फोकस्ड है वो है बजाज फिनसर्व है, क्योंकि बजाज फिनसर्व आप देखेंगे स्टॉक में जो है ऑलमोस्ट 8% की रैली दिख रही है। 7.79% तक का मूव दिखाया है। इस पे क्लोजिंग किया है, इसके ऊपर भी गया था स्टॉक। इसने जो हाई लगाया आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने 16584 का हाई लगाया है। स्टॉक में क्या डेवलपमेंट चल रहा है? स्टॉक में देखें तो अभी इस वीडियो में आप देखें क्या डेवलपमेंट है, स्टॉक और कितना ऊपर जा सकता है और क्या क्या इसके फंडामेंटल्स हैं जिसको आपको देखना चाहिए। चलिए, तो इसमें आपको दिखेगा कि यहाँ पे बजाज फिनसर्व ने जो है एक्सचेंज को एक जो है यहाँ पे जो उन्होंने एक लेटर सबमिट किया है जिसमें बताया है कि सेबी की तरफ से उनको जो है एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है टू स्टार्ट एएमसी बिजनेस, टू सेटअप एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड ट्रस्टी कंपनी। चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब कि वो खुद कर सकती है या कोई सब्सिडरी के थ्रू जो है एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को जो है फॉर्म कर सकती है। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो ये जो है इस स्टॉक को, ना कि ये एक न्यूज ड्रिवन जो है इसमें स्टॉक में रैली आई है। और ये जो है जब किसी अच्छे स्टॉक में न्यूज आता है तो एक स्टेबल मूव दिखाता है। तो स्टॉक ने आज दिखाया है मूव। स्टॉक में आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने एक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे जाकर स्टॉक ने 8% रैली दिखाया है। ये एक कन्विक्शन है, जिस कन्विक्शन के साथ स्टॉक ऊपर गया है। तो अभी स्टॉक में जो है किस तरह फर्दर मूव किस तरह से आएंगे बताऊंगा मैं आपको। आप इस स्टॉक को देखेंगे बजाज फिंसर्व का, बजाज फिंसर्व जो है उसकी जो मार्केट कैप है 2,62,000 करोड़। सो पीयर में आप फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट में जो है सेकंड नंबर पर आती है। पहला नंबर पे बजाज फाइनेंस है, सेकंड नंबर पे जो है आपको बजाज फिंसर्व दिख रहा है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप जो है, जो नंबर वन पे पीएसयू बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके मार्केट कैप से भी क्रॉस करते हुए दिख रहा है। जो 3.7 लाख करोड़ का है उसको क्रॉस करते हुए बजाज फाइनेंस जो है 4.2 लाख करोड़ आपको दिख रहा है, 4.2 लाख करोड़। चलिए, कंपनी यदि आपने इस कंपनी को आपने किसी भी टाइम फ्रेम के लिए होल्ड कर रखा है तो आपको जरूर रिवार्ड मिला होगा। और ये सब ऐसी कंपनी है जब एक बार पैसा बन जाता है तो टूटने में कई सालों लग जाते हैं। छोटे मोटे गिरावट दिख सकती है, लेकिन जो बड़ी गिरावट जैसे लॉकडाउन में गिरा था स्टॉक, उस तरह गिरावट जो है ऐसे भी आप बजाज फिंसर्व को ही देखेंगे। तो बजाज फिंसर्व भी स्टॉक गिरा था ड्यूरिंग लॉकडाउन। इस तरह गिरावट जो है एक इंडिकेटेड फॉल है, ऐसा फॉल आपको दिखेगा नहीं। ऐसे आप हिस्टोरिकल चार्ट देखें तो उतना बड़ा गिरावट नहीं दिखेगा आपको। थोड़ा बहुत आपको गिर सकता है, 20-30% गिर सकता है, इतनी बड़ी गिरावट जो है जल्दी नहीं आएगी। तो स्टॉक जो है अपने हाई से भी काफी दूर चला जा चुका है स्टॉक। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। एक 3 मंथ्स पहले मैंने बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर्व पे हमने बनाया था, उस पर हमने टारगेट भी दिया था। तो ये टारगेट मेरा हमारा जो है पुराना टारगेट है, जो हमने बताया था 29 था 3 महीने पहले। 3 महीने पहले भी आपने इन्वेस्ट किया होता तो अभी बजाज फाइनेंस आप देखो कि उस समय जब मैंने बनाया था तो 5475 जो है 29 अप्रैल की प्राइस थी, और आज स्टॉक जो है बजाज फाइनेंस आपका ऑलमोस्ट 7000 को टच कर गया स्टॉक। ऑलमोस्ट वहां पे 1500 1600 1500 1600 का मूव आया है। और बजाज फाइनेंस जब मैंने बनाया था बजाज फाइनेंस 11000 पर ट्रेड कर रहा था, और आज वो स्टॉक जो है बजाज फाइनेंस आपका 16461, ऑलमोस्ट वहां से 5000 की मूव है। 5000 बराबर काफी स्टेलर मूव आ गया है स्टॉक में। स्टॉक ने जो है वहां से भी जो है 11000 पे हमने स्टॉक को बनाया था, और वो स्टॉक अभी आपका 16000, मतलब 5000+ की मूव, 5500 की मूव आपको दिखा चुका है। और अभी पोटेंशियल लगता है जिसपे हम डिस्कस करने वाले हैं कि और कितना ऊपर जा सकता है स्टॉक। नहीं तो आप इस वीडियो को डिटेल में आप देखिए,
इसमें भी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमने इसको स्टॉक एनालिसिस किया था। इन सिमिलर लाइन आप बाकी स्टॉक से भी कर सकते हैं, आप फर्दर भी आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में हेल्प करते हैं। इस वीडियो को जरूर देखें। तो आप यहाँ पर जाएंगे, आप वहीं पर सर्च में डाल दीजिए बजाज फाइनेंस, या आप यहाँ पर नेविगेट करेंगे 3 मंथ पहले का वीडियो देख सकते हैं, या मैं इसको टैग भी लगा दूंगा आई बटन। अभी स्टॉक में और कितना ऊपर जा सकता है, तो बजाज फाइनेंस देखिए स्टॉक जो है कुछ महीनों से जो है वो स्टॉक हाई टॉप हाई बॉटम बना के ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बन रहा है स्टॉक में। वीकली टाइम फ्रेम देखें तो वीकली में जो है 3 वीक से हाई टॉप हाई बॉटम बन रहा है। और अभी जो मार्केट में करेक्शन आया था, उस करेक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, लार्ज कैप स्टॉक है निफ्टी के साथ ऊपर जा रहा था स्टॉक, और कुछ दिनों से स्टॉक में डेवलपमेंट चल रही थी स्टॉक में। मुझे लगता है कल भी ये ऊपर जाना चाहिए, और उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म के जो उन्होंने लगाया होगा वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जो 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 करेक्शन आती है वो एक हेल्दी करेक्शन होती है, जो वीक प्लेयर को बाहर निकाल देती है और स्ट्रॉन्ग प्लेयर फिर से इन कर जाते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे पहली रैली आई थी, फिर थोड़ा सा गिरा था, फिर चला था, फिर थोड़ा सा गिर सकता है, फिर भाग सकता है स्टॉक। तो इस स्टॉक में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बनाए और आप डिप्स पे बाई कर सकते हैं स्टॉक को। तो कितना ऊपर जा सकता है बजाज फाइनेंस? तो बजाज फाइनेंस जो है, सॉरी बजाज फिंसर्व जो है, बजाज फिंसर्व का चार्ट है, बजाज फिंसर्व का है, बजाज फिंसर्व जो है आज 16461 पे आज उसने क्लोजिंग दिया है, वो 24 अगस्त का प्राइस है। मिलता है इसके ऊपर जो है वो 17500 एंड 19500 का जो आपको लेवल दिखा सकते हैं। तो दो मैंने 17500 तो इजी आपको अचीव कर जाएगा, और उसके बाद 19500 में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, 1 महीना लग जाए, लेकिन ये दीज आर द पोटेंशियल टारगेट्स, टारगेट वन टारगेट टू। और छोटा एक स्टॉप लॉस फॉलो करना है तो आप उसमें 15850 दीज आर द गुड सपोर्ट्स एंड 14550 इसको आप एज ए सपोर्ट यूज कर सकते हैं। स्टॉक पोटेंशियल है, ये 20,000 तक भी जा सकता है स्टॉक, तो आप होल्ड करें स्टॉक, और जैसे जैसे डेवलपमेंट आएगी उसमें आप यदि हमारे वीडियो को अप्रिशिएट करेंगे और इनकरेज करेंगे तो हम इसके ऊपर भी ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे बनाएंगे। ये हो गया बजाज फिंसर्व का। बजाज फिंसर्व को आज हमने लाइव मार्केट में इसको जो है, जो हमारा एक प्रीमियम सर्विस है फ्रंट पेज पे, जब जो मैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स डालता हूँ जिसमें 15% से 50% का अपसाइड स्टॉक होते हैं, तो 1-2 वीकली ट्रेंडिंग रहता है स्टॉक, वहां पे मैंने आज मॉर्निंग में ही स्टॉक को पिंग किया था कि ये स्टॉक जो है 3% ऊपर है। जैसे अभी 10:15 में हमने स्टॉक को पिंक कर दिया था कि स्टॉक जो है 3% ऊपर चल रहा है, आप इसको ले सकते हैं। हमारा एक टारगेट जो है उसको क्रॉस कर चुका है और नेक्स्ट 1600 की ओर जा रहा है, 16500, ठीक है। तो वो 16500 को भी जो है ऑलमोस्ट टच कर गया स्टॉक ने, फिर इसको मैंने डेवलपमेंट, फिर मैंने इसमें डेवलपमेंट डाला कि स्टॉक जो है जो 16000 क्रॉस कर चुका है और क्लोज टू 16500, तो उसको भी उसने इंटरडे में हिट कर दिया था। अब 17000 एंड 17500 का टारगेट दिया था। ये आपको जो है, ये एनालिसिस आपको हेल्प करता है एडवांस ट्रेड लेने में, जो आपको पैसा बनाने का मौका देता है। इसमें आपको जुड़ना है तो आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़ सकते हैं। तो ऐसे आप देखो तो स्टॉक जो है, ये स्टॉक का जो है चार्ट है, तो स्टॉक अपने बॉलिंजर बैंड से बाहर निकल चुका है, RSI भी 84 है, ओवर ओवर बॉट स्टॉक है, हीटेड स्टॉक है, लेकिन स्टॉक में पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है तो कुछ दिनों के लिए वो एक जो है ओवर बॉट जोन में भी रहता है, वहां पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर से वो पिकअप कर सकता है स्टॉक। MACD भी एक बुलिश साइन है, अच्छे वॉल्यूम का स्टॉक, अच्छे वॉल्यूम का स्टॉक ऊपर गया है। चलिए, तो आपके पास है जरूर उसको होल्ड कीजिए। एक नज़र हम बजाज फाइनेंस से मार लेते हैं, तो बजाज फाइनेंस का स्टॉक जो है, बजाज फाइनेंस में भी रैली जो है आई है, तो दोनों एक साथ ही चलता है, थोड़ा आगे पीछे रहता है। तो बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस का स्टॉक भी जो है कुछ दिनों से स्टॉक चल रहा है, आप इसको वीक पे भी देख सकते हैं, वीक पे भी स्टॉक चलते दिख रहा है, मंथ पे भी स्टॉक जो है कुछ महीनों से जो है स्टॉक चल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 महीने से स्टॉक चल रहा है। ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है, तो डेली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम उसने एक
डोजी बना के स्टॉक जा रहा है, एक इंडिसेज मैंने बनाया था उसके ऊपर गया था स्टॉक, मुझे लगता है कि और ऊपर जाने की चांसेस काफी है उसमें। कितना ऊपर जा सकता है स्टॉक? तो स्टॉक में जो है मिला था स्टॉक, अभी जो स्टॉक ने क्लोजिंग किया था 6980 पे, उसका 24 अगस्त की क्लोजिंग है। ये स्टॉक जो है ऊपर दो पोटेंशियल टारगेट है 7250 एंड 7500 एंड 8000 का, मुझे लगता है पोटेंशियल टारगेट है जो जा सकता है। टारगेट वन, टारगेट टू, टारगेट थ्री, तो 7500 जो है इमीडिएट टारगेट्स है, ये सब आपको जल्द ही आपको हिट हुआ देखेगा। और कुछ दिनों में 1 महीने का आप लेंगे व्यू तो 8000 का भी जो 8000 का लेवल भी ये अचीव करके दिखाएगा आपको। और इसमें सपोर्ट के लिए जो है 6760 जो सपोर्ट वन एंड 6350 सपोर्ट टू आप यूज कर सकते हैं। स्टॉक ये भी स्टॉक है तो आप रखिए। दोनों स्टॉक ने इन्वेस्टर का वेल्थ बना के दिया है। स्क्रीन पर आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस जो है पिछले 1 साल में 100%। ये सब ऐसा रिटर्न है, एक होता है पैसा बनना, एक होता है पैसा बन के बनते रहना। ये ऐसा स्टॉक है जो पैसा बन के बनते रहता है, 100% है। ये आपको 10 साल में 61% कंपाउंडिंग करके दिया है। और मतलब कि आपका जो है जिस पेस से स्टॉक करता है, ये आपको बताता है कि स्टॉक हर एक जो है 1 से 1.5 साल में पैसा आपका डबल हो रहा है। 1.5 साल में आपका कर लो डबल हो रहा है, तो ये 1 साल में 100% रन दिया है पिछले 1 साल में। और फिंजर्व की जो बात की जाए, बजाज फिंजर्व, तो यहाँ पे और फास्ट बनना है। यहाँ पे जो है अभी 1 साल में 157% और 10 साल में 42% से कंपाउंडिंग किया है। ये भी आपका पैसा थोड़ा सा कम ज़्यादा, लेकिन इसमें पैसा अच्छा खासा बन रहा है पैसा। चलिए, तो ये फर्दर स्टॉक रिकमेंडेशंस के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम पे जगदीश स्टॉक क्लासेस करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विटर पे हमें जगदीश पेज के नाम से फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको रिकमेंडेशन मिलेगा। और ये हमारा प्रीमियम सर्विस है जहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टॉक, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस, नौकरी, सब हमने रूट मोबाइल सब हमने स्टॉक डाला है, ट्रेंडिंग स्टॉक्स, उसका एडवांटेज ले सकते हैं आप। और किसी तरह का सपोर्ट गाइडेंस, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप सीखना चाहते हैं प्रॉपर क्लास के थ्रू, तो हमारा वेबसाइट विजिट कीजिए जगदीश.com, वहाँ पे क्लासेस की डिटेल मिल जाएगी आपको। और क्लासेस का रिव्यू पढ़ना है तो यहाँ पे गूगल में सर्च कीजिए जगदीश स्टॉक में क्लासेस एंड कंसल्टेंसी, वहाँ पे हमारे रिव्यू मिल जाएगी। चलिए, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। हमारा क्विक एनालिसिस था जो मैं होप करूंगा कि आपको ट्रेडिंग में से आपको हेल्प क्या होगा। ये आपको हेल्प करता है तो आप भी अपने फ्रेंड फैन को शेयर कीजिए, हो सकता है कि उनके लिए भी यूजफुल हो। और हमारा चैनल यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।